हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और एक सबसे पहला अनाउंसमेंट कि हम अब एंड्रॉयड टीवी पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ भी हमें देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि जो मोबाइल है, अभी तक हम चाइना पे बहुत वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अब हम आ रहे हैं मोबाइल इंडस्ट्री पे। किस तरह से चाइना ने हमारे मोबाइल इंडस्ट्री को हाईजेक किया हुआ है। सही, हाईजेक मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। साथ के साथ ये भी आपको मैं सोचने पे मजबूर करूंगा कि माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, स्पाइस, इंटेल, इस तरह की कंपनियां कहाँ गायब हो गई और कब गायब हुई, शायद हमने और आपने ध्यान भी नहीं दिया। तो मैं आज इस पूरी स्ट्रैटेजी पे बात करूंगा कि किस तरह से चाइना ने इंडिया को 5-10 साल का एक रनवे रखा और एक वहाँ की कंपनी है BBK इंडस्ट्रीज, मैसिव, यानी कि इंडियन टोटल मार्केट पर लगभग 60% से ज़्यादा इनका अकेला कब्जा है। और मैं इनके ब्रांड के बारे में बात करूंगा, इनके ओप्पो, वीवो, इस तरह की जो इनकी कंपनियां हैं, मैं उन सारी कंपनियों के बारे में बात करूंगा। तो ये वीडियो केवल इस डेटा पे है कि कैसे इंडियन इंडस्ट्री के मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरर तो नहीं बोलूँगा, मोबाइल कंपनीज को बर्बाद किया गया और किस तरह से चाइनीज कंपनी ने अपना दबदबा बनाया। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, स्पाइस एंड इंटेल। अब मैं वापस थोड़ा सा आपको बैक में लेके चलते हैं, पुरानी स्टोरी सुनाते हैं। पुरानी स्टोरी कहते हैं ना कि लॉन्ग टाइम अगो, वो वाली हमारी कहानी है। अब बात करते हैं 2009-10 की। आपको बड़ा अटपटा लगेगा कहाँ 2020 में और कहाँ 2010 की बात कर रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चाइनीज़ जो लोग हैं ना, बहुत स्मार्ट हैं और बहुत स्ट्रैटेजी के साथ खेलते हैं। उन्हें पता है कि कैसे। तो इस पूरे वीडियो को मैं दो पार्ट में कन्वर्ट करूँगा। एक, किस तरह से चाइनीज़ ने इंडियन कंपनीज़ को सपोर्ट किया कि आप सैमसंग, उसके अलावा सोनी, मोटोरोला, LG, उसके अलावा नोकिया, हुआई, स्पाइस, इन लोगों से फाइट किया जा सके। पहले उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई और इंडियन कंपनीज़ को प्रमोट किया। उनके थ्रू उन्होंने मार्केट को डिस्ट्रप्ट किया, मार्केट को डिस्ट्रॉय किया और इनको आगे बढ़ाया। और जब ये आगे बढ़े तो ये चाइनीज कंपनी पर डिपेंडेंट थे, तब चाइना ने अपना गेम खेला। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 2015 तक हमारी इंडस्ट्री जो मोबाइल की थी, कहीं ना कहीं वहाँ माइक्रोमैक्स का एक बहुत ज़बरदस्त, आप कह सकते हैं माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, स्पाइस, इंटेल, इनकी ज़बरदस्त मोनोपोली थी। 2013 से 2015 तक आपको मैं बताऊं, माइक्रोमैक्स इंडिया का नंबर वन मोबाइल कंपनी थी। आज उसकी हालत क्या है आपको वो भी मैं बताऊंगा और कैसे हुआ ये भी बताऊंगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ 2007 की स्टोरी, 2007, 2008, 2009, क्योंकि 9 में ही ये लोग, जो जितनी कंपनियों का मैं नाम ले रहा हूँ इंडियन कंपनी, ये लोग इंटर किया। और इसमें वाइट लेबलिंग की भी बात करूँगा, साथ के साथ मैं ये भी बात करूँगा कि जो BBK है वो OEM है, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ये क्या होता है इसको भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आते हैं कि हुआ क्या 2007, 2008, 2009, 2010 में। जो मार्केट लीडर थे नोकिया था, सोनी था, मोटरोला था, सैमसंग था, LG था, ये लोग मेजर प्लेयर थे हमारे देश में। ये करते क्या थे, ये इनका अपना डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग था, ये करते थे और इंडिया में प्रोडक्ट ला के बेचते थे। 2010 के बाद गेम चेंज हुआ, 9 में माइक्रोमैक्स और स्पाइस, कार्बन, ये लोग इंटर किया। इन्होंने क्या किया, ये जो कंपनी थी उसमें केवल सैमसंग को छोड़ दो, बाकी सब कंपनियां एक तरह से ख़त्म ही है। नोकिया हो, सैमसंग हो, वो सारी जो कंपनी है वो एक तरह से ख़त्म हो चुकी है। मोटरोला हो, LG हो, इनकी हालत उस लेवल पर नहीं है जो कि उस समय था। अब हुआ क्या, 2009-10 के बाद क्या हुआ कि जो ये माइक्रोमैक्स था, लावा था, कार्बन था, उसके अलावा स्पाइस था, इंटेल था, इन्होंने क्या किया कि चाइना गए। चाइना में जो कंपनी थी BBK, जिसका ही ब्रांड है ओप्पो और भी अदर कंपनी में, उस पर आऊँगा, इससे इन्होंने टाई अप किया। और इनसे क्या टाई अप किया, ये थे मेजर OEM, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो कंपनी की स्टार्टिंग यहाँ से हुई। ये लोग जो इंडियन कंपनी थी, ये चाइना गए, चाइना में कंपनी को बताया कि सर मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे चाहिए 128 GB, 2G, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने बताया। उन्होंने कहा हमारे पास प्रोडक्ट तैयार है, बस आप वाइट लेबलिंग कर लो। वाइट लेबलिंग मतलब मैं मैन्युफैक्चर करके दे दूंगा, आपका नाम माइक्रोमैक्स लगा दूंगा। ये स्टोरी स्टार्ट हो गई 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। उसमें जो मेजर प्लेयर निकल के आए, माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, स्पाइस, इंटेल, ये ज़्यादातर कंपनी ये रहे।
कुछ कंपनी अभी भी हैं, लेकिन मेजर प्लेयर जो ये थे अभी पीछे जा चुके हैं। अगर उस समय आप थोड़ा सा ध्यान दें तो एक तो जो जो भी कंपनीज के जो प्रोडक्ट आते थे अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होते थे, उसके थोड़ी सी फेस चेंज कर दिया जाता था, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था, बाकी जो उसके फीचर्स रहते थे वो सेम होते। होता क्या था, जो टेक्नोलॉजी था, जो डिज़ाइन था, वो चाइनीज कंपनी बीबीके का था, जनरली होता था। ये दुनिया की नंबर 2 कंपनी है मैनुफैक्चरिंग की मोबाइल में, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये लोग क्या किया कि इन लोगों ने इंडिया को एक सस्ता मोबाइल का कह सकते हैं सप्लायर बने, और इनको इन्होंने प्रमोट किया कि तुम लड़ो नोकिया से, सैमसंग से, सोनी से, मोटरोला से, एलजी से, क्योंकि पहले ये चाहते थे कि मार्केट डिस्ट्रप्ट हो। तो डिस्ट्रप्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक तो अगर आप नोकिया को देखें तो आउटडेटेड होगा, क्यों, क्योंकि उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। और इस बीच में ये जो इंडियन कंपनीज थी वाइट लेबलिंग के थ्रू हर 2 महीने पे नया प्रोडक्ट लेके आने लगी, लेकिन ये प्रोडक्ट इनके नहीं थे। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, मैं उनके कुछ रीजंस की बात करूं कि इन्होंने कहां गलती की। इन्होंने अपना मार्जिन ज़्यादा रखा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने एक पैसा, आप कह सकते हैं कि बहुत मिनिमम पैसा इनोवेशन पे खर्चा किया। क्यों? क्योंकि ये वहाँ पे डिपेंडेंट थे और ये चाइनीज़ कंपनी से केवल प्रोडक्ट खरीद के लाते थे और ले आके उसकी वाइट लेबलिंग करते थे। यहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड हायर कर रखे थे और मार्केट पेनिट्रेशन बना रखा था, कोई इनोवेशन नहीं था। दूसरी सीन, इनका जो फोकस था केवल केवल प्रॉफिट पे था, किसी भी तरह से 20% से 30% का प्रॉफिट बने, उसके अलावा काम चलता रहे। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि ये प्राइस टारगेटिंग उसी तरह से करते थे, ये भी इनके साथ एक मेजर चैलेंज रहा। उसके अलावा ये चाइनीज मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड रहे। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि 2014 और 15 के बाद हुई, ये जो 4G लॉन्च हुआ ये उसको समझ नहीं पाए और ये लगातार 3G फोन को ही पुश करते रहे। अब आते हैं थोड़ी सी 2014 के आसपास, मैं यहाँ पे कुछ आपको डेटा भी दिखाऊं कि किस तरह से कंपनीज की जो लिस्ट थी वो चेंज होती गई। अगर मैं 2011 की बात करूं तो 2011, 12, 13 में सैमसंग, नोकिया, माइक्रोमैक्स आ चुका था, कार्बन था, एप्पल था, एसटीसी, ब्लैकबेरी, सोनी। 2014-15 आते आते क्या हुआ, चेंजेज आ गए, इंडियन कंपनी एग्रेसिवली मार्केट में आ चुकी थी। उसमें मेजर जो ब्रांड था वो माइक्रोमैक्स था, कार्बन था, लावा था, इंटेक्स था, ये लोगों ने मार्केट को कैप्चर कर लिया और मोटोरोला जैसी कंपनियां, नोकिया जैसी कंपनी बाहर होती गई क्योंकि उन्होंने अपग्रेड नहीं किया। अब यहाँ पे बीबीके ने अपना गेम प्लान ऑन किया। बीबीके बहुत बड़ी कंपनी थी, बीबीके के जो मेजर ब्रांड हैं उसमें ओप्पो, वीवो, ये उन्हीं के ब्रांड हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उनके रियलमी और वन प्लस, ये चार ब्रांड, चारों के चारों ब्रांड बिलोंग करते हैं बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये लोगों ने क्या किया, 2014-15 में ये कहानी शुरू हुई चाइनीज लोगों की। 2015 के बाद ये चाइनीज कंपनी इंडिया में एंट्रेंस शुरू किया। हुआ क्या, तब तक जो मेजर लड़ने वाले जो इनोवेशन वाली कंपनी थी वो डेड हो चुकी थी, सैमसंग को छोड़ के अप्रॉक्सीमेटली सब लोग बैकयार्ड हो चुके थे। अब ओप्पो, वीवो और इस तरह की जो वन प्लस, ये जितनी कंपनियां थी, रियलमी, ये सारे लोग इंडियन मार्केट में एंटर कर गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि जो इंडियन सेलर थे वो कहीं ना कहीं चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर पर डिपेंडेंट थे, चाहे वो बीबीके था और कुछ और लोग थे उस पर वो लोग डिपेंडेंट थे, वो उनका सबसे बड़ा सप्लायर था। अब इनके पास कोई इनोवेशन नहीं था, किसी भी तरह की इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि अपने आप को अपग्रेड करे। ये पूरी के पूरी जो डिपेंडेंसी थी इनका केवल केवल चाइनीज मैन्युफैक्चरर पे, और उसमें भी आप कह सकते हो OEM, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर थे, जो उस प्रोडक्ट पे पैसा लगाते थे, डिज़ाइन करते थे, उन पे था। अब क्या हुआ, 2014 से गेम चेंज हुआ। अगर आप 4G प्राइसेस देखें 2014, ये मैं सारा डेटा IDC के थ्रू बता रहा हूँ, ये काफ़ी रिनाउंड, मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ सब IDC के डेटा के बेस पे ही बात कर रहा हूँ। अगर प्राइसिंग की देखें तो ये लोग 3G पे इंडियन कंपनी फोकस रह गई, तब तक ये ओप्पो, वीवो ने 4G लॉन्च कर दिया और तब तक रिलायंस ने 4G 2017-18 के बीच में भी लॉन्च कर दिया, जो कि इंडियन कंपनी समझ नहीं पाई। दूसरी चीज़, जब चाइनीज़ कंपनी ने आया तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट काफ़ी ऑप्टिमाइज किए, क्वालिटी बहुत अच्छा दिया एज कम्पेयर टू द इंडियन कंपनी, वहाँ पे उन्होंने उसे लिवरेज लिया। दूसरी चीज़,
अब ये कंपनी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थी। अब बीबी के और उनके प्रोडक्ट के साथ क्या था कि मैन्युफैक्चरर थे, इन्होंने प्राइसिंग को बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस किया, मिलियंस ऑफ मोबाइल फ़ोन बनाने लगे। और 2013 में 4G का जो रेट था मोबाइल का लगभग 23% से कम हुआ, 2014 में 26%, 2015 में 48%। यानी जो इंडियन कंपनीज की जो मार्जिन थी उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया, यानी कि अब इनके सर्वाइवल पे खतरा आ गया। और ये क्या थे, ये जितनी जो ओप्पो वीवो कंपनीज थे ये पेरेंट कंपनी इनका मैन्युफैक्चरर था, साथ के साथ वो मास लेवल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया, डिज़ाइन इनोवेशन पे खर्चा शुरू कर दिया उन्होंने काफ़ी ज़्यादा। उससे क्या बेनिफिट हुआ कि जो उनकी क्वालिटी थी, और एक चीज़ और बताऊँ कि जो इनकी प्रोडक्ट हैं उनकी ऐसा भी नहीं था कि केवल 2000 और 3000 के थे, अगर आप इनके प्रोडक्ट जाते हैं तो बहुत हाई एंड में भी थे। यानी कि इन्होंने क्वालिटी के साथ साथ ड्यूरेबिलिटी, प्राइसिंग और टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे बहुत मैसिव खर्चा किया, जो कि इंडियन कंपनी नहीं कर रही थी, और इंडियन कंपनी इन्हीं पे डिपेंडेंट था जो उनका सप्लायर था। अब देखिए 2014 के बाद गेम समझने की ज़रूरत है 2015 के, 2016 आते आते ओप्पो तब तक लाइन में आ गया, टॉप 8 कंपनी जो कि 8 ब्रांड थे इंडिया में उसमें ओप्पो जियोनी आ गया, माइक्रोमैक्स सर्वाइव किया तब तक, लिनोवो तब तक, वीवो आ गया, और LYF जो रिलायंस की एक आर्म है वो भी इंडिया में इंटर कर चुकी थी, यानी कि इंडियन में वो भी काम करने लगे। 2017-18-19 आते आते ये जो बीबी के कंपनी है उसका इंडियन मार्केट पे 60% के आसपास कब्जा हो गया, जो जियोनी, वीवो, ओप्पो इस तरह की जो कंपनीज थी इन लोगों ने इस मार्केट को कैप्चर कर दिया। यानी कि ओप्पो और ये ओप्पो वीवो उसके अलावा वन प्लस ये तो एक ही ब्रांड की कंपनी थी, इन लोगों ने पूरे मार्केट को डिस्ट्रप्ट करते गए और मार्केट के कैप्चर करते गए। साथ के साथ अगर आप देखें तो हुआ क्या, 2015 के आसपास इंडियन कंपनी के पास जो मार्जिन थे उसको लेके उन्होंने बहुत आवाज़ भी लगाई गवर्नमेंट से कि यहाँ पे कुछ टैक्स का ऐसा किया जाए ताकि हमारी जो प्राइसिंग हो कॉम्पिटिटिव हो सके। अब हुआ क्या, मैं ही सप्लायर था, लेट्स अज्यूम माइक्रोमैक्स को मैं माल दे रहा हूँ, तो मैंने क्या किया कि जब अपनी प्राइसिंग को बढ़ाने के लिए हमने रेट को भी निगोशिएट नहीं किया, हमने रेट अपने हिसाब से रखा और प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग थी मेरे लिए तो कम थी, तो जब मैंने अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग शुरू की तो कॉस्ट मेरा था, और जब माइक्रोमैक्स और दूसरी कंपनी उससे प्रोडक्ट खरीदती थी तो कहीं ना कहीं एक मार्जिन ऐड होता था, तो पहले तो उन्होंने उस पर उन लोगों कंपनियों की हवा निकाल दी पूरी तरह से। दूसरी, वो कहीं ना कहीं पूरी डिपेंडेंसी थे, और उन्होंने क्या किया कि इतना मास लेवल मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, इतना मास लेवल मिलियंस ऑफ मोबाइल कहा जा रहा है कि बनाने लगे इन लोगों ने, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो भी नीचे आ गया। उन्होंने टेक्नोलॉजी और हर महीने एक नया फीचर देने लगे, जो कि इंडियन कंपनी जब तक समझ पाती कुछ कर पाती तब तक 2017 में जो मार्केट लीडर थे जियोनी, वीवो, ओप्पो और माइक्रोमैक्स तब तक रहा, लेकिन 2018 तक आते आते जियोनी, वीवो, ओप्पो, उसके अलावा LYF, वन प्लस ये लोग मार्केट में आ गए पूरी तरह से, और पूरे मार्केट को इन्होंने एक तरह से होस्टाइल टेक ओवर कर लिया, क्योंकि हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग तो थी नहीं और हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं था। हमने क्या किया, हमने पैसा बनाया और चाइना गए लेके आए, कभी हमने अपने इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग पे काम नहीं किया। अब आते हैं कि हमारी क्या, हमने इसमें क्या किया, हमने भी इसमें कम साझेदारी नहीं दिया चाइनीज़ को बढ़ने में, चाइनीज़ को बढ़ने में हमने भी बड़े जोर लगा। अब जब ये मार्केट में आए तो इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन मार्केट प्लेस पकड़ा और वहाँ पे सेल स्टार्ट किया पहला, बाद में ये जो रिटेल स्टोर और इन सब सारी चीज़ों पे गए, उससे क्या है कि इससे भी इनकी कॉस्टिंग बहुत कम रही और इनके पास डीप पॉकेट था, बहुत डीप पॉकेट था। अब जो 2010 के बाद माइक्रोमैक्स हो, इंटेल हो, या जो भी कंपनी थी चाइनीज़ कंपनी से ख़रीद रही थी, वो पैसा कहीं ना कहीं चाइना ही जा रहा था और हम कहीं ना कहीं चाइना को ही प्रमोट कर रहे थे। और 2015 के बाद ये तो होस्टाइल टेक ओवर हो गया पूरी तरह से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूरा डेटा उन्हीं के पास था, पूरा मार्केट कैप्चर उन्हीं के पास था, प्रोडक्ट में इनोवेशन था। अब मैं कहता हूँ कि जो आज हम कह रहे हैं कि बायकॉट, बहुत ऐसी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा चाइनीज़ कंपनी जो कि मेरे ही लिस्ट में है, उसके CEOs को फोर्ब्स से लेके इंडियन गवर्नमेंट ने पता नहीं कौन कौन से अवार्ड दिए हैं और कितनी तरह की उनको जो आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन दिया गया है। उसके अलावा मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, डेटा की बात करूँ, वीवो एंड ओप्पो ने
दोनों ने मिलकर 2019 मार्च तक आप बिलीव नहीं करेंगे 5 साल के अंदर जो उनका टर्नओवर था अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ था, केवल दो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ओप्पो एंड वीवो। और उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है 17, 18, 19 में जो ग्रोथ था ओप्पो का 80% था और वीवो का 54% था। सर तो अब ये आपको और मुझे सोचना होगा कि हम चाइना को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें तो इतना 70% आज जो मोबाइल मार्केट है चाइनीज मार्केट है, वो यानी वो पैसा चाइना जा रहा है। और आप और हम कह रहे हैं कि हम ऐप डिलीट कर देंगे। सर ऐप डिलीट करने से कुछ नहीं होने वाला है, हमने चाइनीज को बहुत पैसे कमा के दिए हैं और आज भी वो हम पे रूल कर रहे हैं। 3 दिन पहले का न्यूज़ है, वो उसमें भी आ रहा है कि इस इतनी कुछ होने के बाद भी इंडियन लोग चाइनीज प्रोडक्ट स्टिल बाई कर रहा है और उस पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं है। यानी कि जब तक हम अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक हम सर कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता हमारा। और जब तक ये चाइनीज हमसे ही पैसा कमाते रहेंगे और हम ही को आंख दिखाते भी रहेंगे, तो टाइम है अब एक वेकअप कॉल का। वो कॉल ये है कि जो हमारी कंपनी थी पहले तो उन्हें इनोवेशन पे और R&D पे खर्चा करने की ज़रूरत है। जब तक ये काम हम नहीं करेंगे तब तक हम चाइना पर डिपेंडेंसी रहेंगे। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो मोटर सेगमेंट पर लेके आऊँगा कि उसके पार्ट्स पर भी चाइना के किस तरह से मोनोपोली है। अगर आपको लड़ना है, हमें लड़ना है चाइना से, तो हमें हर स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि किस तरह से चाइना का इंपोर्ट इंडिया में कितना बड़ा है, और यहाँ तो मैं केवल दो कंपनी की बात कर रहा हूँ, उसका इतना मैसिव 5 सालों में 40,000 करोड़ का टर्नओवर। आप सोचिए कि ये बीबीके को ही जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि एक वाइट लेबलिंग क्या होता है, OEM क्या होता है। जाते जाते OEM होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो BBK है इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि ओप्पो वीवो और वन प्लस इसका जो मालिक है, ये मैन्युफैक्चर भी करता है डिज़ाइन भी करता है। और वाइट लेबलिंग क्या होता है, मैं उसके पास जाता हूँ और उसने प्रोडक्ट बना के रखा है, जैसे कि मैं कोई भी एक मोबाइल की ही बात करिए, मेरा जो मोबाइल है उस पर वो केवल टैग लगा देगा आपका, आपका कुछ भी नहीं है। आपने उसको एक प्राइस ब्रैकेट दिया, आपने स्पेसिफिकेशन बनाए, उसके अकॉर्डिंगली एक टैग लगाया और आपके टैग लगा के वो आपको दे दे रहा है। वाइट लेबलिंग हो गई। हमें ज़रूरत है कि अपनी इंडस्ट्री को भी बचाने की। और ये सारा डेटा जो मैं बात कर रहा हूँ केवल केवल IDC की है। उसके अलावा अगर मैं इनके सेगमेंट की बात करूँ, इनका जो अगर जियोनी वीवो ओप्पो रियलमी इनके जो सेगमेंट की बात करूँ, तो कुछ मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि जियोनी फोर्थ क्वार्टर 2019 में 10% का मार्केट था, जो कि फोर्थ क्वार्टर जो उनका मार्केट शेयर था लगभग 29% के आसपास था। उसी तरह से अगर आप देखें 18 में ये अप्रॉक्सीमेटली इनका 26% था, वीवो का 18% था जो कि 2018 के फोर्थ क्वार्टर में 10% था, ओप्पो का 7% का था जो कि 13% था, रियलमी 7% था लगभग 12% हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग जो अदर था 2018 में 29% जो कि घट के फोर्थ क्वार्टर 2019 में 10.9% हो गया। यानी लगभग 19% का जो मार्केट कैप था चाइना ने खा गया। सर अगर अभी भी नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने जो मोबाइल फ़ोन है उसको फेंक दें, वो कोई उसे कुछ नहीं होना है, क्योंकि जिस दिन आपने बाय किया था वो पैसा उस कंपनी को जा चुका है, आप अपना नुकसान करेंगे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब अगली बार आप ख़रीदने जाएं तो ज़रूर एक बार सोचें। और ये सारे डेटा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, और उनका मार्केट कैप डे बाई डे बढ़ रहा है, यानी कि वो हमारे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चीज़ों को समझना, डेटा को समझना, और डेटा को समझने के बाद ही आप कोई काम कर सकते हैं। जब तक आप डेटा को नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो सर आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम चाइना की फिर बात करेंगे, लेकिन हम उसकी ऑटो सेक्टर में जो उसका परसेंटेज है उसको एनालिसिस करने की
कोशिश करेंगे। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो या किसी तरह की और डेटा की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ ये भी कमेंट करके बताएं कि आप पिछले दो बार से कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये भी तो पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि जानबूझ के या हो सकता है अनजाने, दोनों चीज़ें हैं। और ये भी आप कह सकते हैं कि सर हमारे पास चॉइस नहीं है, कि उस प्राइस में जो वो प्रोडक्ट दे रहा है वो कोई नहीं दे रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। मैं इससे कहीं आपसे डिसएग्री नहीं हूँ, आपके पास चॉइस भी नहीं है। तो ये तो हमारे मैन्युफैक्चरर और हमारे इंडियन कंपनी को सोचना होगा कि किस तरह से इनको कम्पीट भी किया जाए। साथ के साथ यहाँ गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो प्राइसिंग वेरिएशन है, जो मैं हर बार कहता हूँ, प्राइसिंग वेरिएशन पे एंटी डंपिंग रूल भी लगाने की ज़रूरत है, या उस तरह से टैक्सेशन लगाने की ज़रूरत है जिससे कि प्राइस में इक्वलाइजेशन हो पाए। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, हम केवल बातें करते रह जाएंगे। और 2016 से 2020 में हमने पूरा मोबाइल बेस खो दिया है, मोबाइल इंडस्ट्री हम खो चुके हैं। तो ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप कहते रहेंगे, हम करते वही रहेंगे, जिसका बेनिफिट चाइना आज भी ले रहा है और कल भी लेगा, परसों भी लेता रहेगा, अगर हमने अपने एक्ट में किसी तरह का सुधार नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से हम बात करेंगे चाइना के कुछ प्रोडक्ट के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, थैंक यू, थैंक्स लॉट।